मॉर्निंग गाइस, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। सेकंड डे की स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने होटल का व्यू। तो दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि आज का ना मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है और हल्की हल्की हवा चल रही है, तो मज़ा आएगा आज भी। मैं आपको अपने रिजॉर्ट के रूफ पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम रात को कल बैठे हुए थे, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा शांति है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, सामने है ताज होटल और इधर है गंगोर घाट। इतना अच्छा व्यू आ रहा है सामने पूरा, और यह है सिटी पैलेस सामने। इतनी तेज हवा चल रही है और इतना अच्छा मौसम हो चुका है, पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं बादल ही बादल आए। यह है जगदीश टेम्पल उदयपुर। आगे प्रिया चल रही है और ये मुझे रास्ता दिखाते हुए मंदिर का। मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली हम जगदीश मंदिर में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो इस टेंपल में ज़रूर आए। आज क्राउड ज़्यादा लग रहा है मुझे। वाओ, ये जगदीश मंदिर के बाहर का व्यू है और मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए मैडम परिक्रमा लगा रही हैं। जगदीश मंदिर से दूसरा व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वाओ, मंगोर हवेली म्यूजियम। दोस्तों, तो हम आ गए हैं बंगोर की हवेली, जो कि एक म्यूजियम है जिसकी टिकट थी 55 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। ये लोकल एरिया में पड़ती है, ठीक है। इसके बराबर में गंगोर घाट, तो आप आइए यहाँ पे और बाकी मैं आपको सबको घुमाता हूँ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजियम है,
ये म्यूज़ियम है जहाँ पे सारे ही राजाओं के स्टैचू लगे हुए हैं। तो मैं हवेली के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से व्यू होना बहुत प्यारा आ रहा है। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वो है गंगौर घाट, इसके जस्ट बराबर में ही है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने तो आप आराम से वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा है, आराम से टाइम स्पेंड करिए। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल साउंड है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। पेंटिंग्स हैं यहाँ पे सारी, म्यूज़ियम है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये देखिए पीछे है ताज पैलेस, यहाँ पे सारे राजाओं के सिंहासन है। यह बहुत पुराना सिंहासन, वाओ। और ये रानियों की साड़ियाँ, कितना प्यारा। ये पूरा जो रूम है पूरा पिंक एंड वाइट थीम से बना हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ी पगड़ी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के पगड़ियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पे हर तरह की पगड़ियों का नाम है, जैसे यह है खोजा पगड़ी, यह है जैन बनिया पगड़ी। यह है बहुत ही ज़्यादा पुराना सितार जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। यहाँ पे सितार है और यहाँ पे डिटेल्स देखी हुई इनकी, ये बांसुरी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और पुरानी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। होस्टल से व्यू देखिए, तो मैं आ चुका हूँ सबसे डिमांडेड प्लेस इन द उदयपुर, लेक पचोला। मेरे पीछे ही है, देखिए पीछे देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सूरज बिल्कुल ऊपर है, पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइस, बोटिंग प्राइस है जो 150 से 250 तक और 300 तक प्राइस है यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ इवनिंग, आप यहाँ पे आ सकते हैं इवनिंग में। और यहाँ पे देखिए
ऊँट है पीछे कैमल, अगर आपको कैमल राइड करनी है तो आराम से यहाँ पे कैमल राइड होती है, हॉर्स राइड होती है। ये देखिए, ये देखिए कैमल राइड होती है यहाँ पे। और अगर कुछ खाना पीना है छुटमुट तो यहाँ पे आप खा सकते हैं, स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गंगोर घाट, जो कि उदयपुर का एक और फेमस प्लेस है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जो कि आपने देखी होगी मूवी ये जवानी है दीवानी में, जो आपने सीन देखा होगा जब दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर यहाँ पे बैठ के अपनी फ्यूचर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये वही जगह है देखिए पीछे। तू एक दिन दो बच्चे की माँ बन जाएगी मोटी सी, और मैं तब भी हॉट और फिट लगूंगा। दो नहीं छह, और जब हम मेरे बड़े से ड्राइंग रूम में बैठ के हैरी पॉटर पार्ट 20 देख रहे होंगे ना, तुम किसी अफ्रीकन गांव में बैठ के अपने खुद के जूते सी रहे होंगे। ओए तुझे सच्ची 6 बजे चाहिए? चल एक आध का नाम बनी रख लेना प्लीज। अच्छा और ये बच्चे सब एक ही हस्बैंड से है या मैं कुछ मदद करूं? जी आप वाली। अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। ये गंगोर घाट पे हम बैठे हुए हैं, ये सामने होटल्स हैं सारे, और वो रहा सामने ताज होटल। वाओ गाइस, अब मैं आ चुका हूँ बॉम्बे मार्केट, जो कि फतेह सागर लेक की ओर है, और यहाँ पे मैं डिनर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी खाने की बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती है। तो दोस्तों मैंने स्टे किया है आज का दिन हॉस्टल के अंदर, ये मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा रूम है, और यहाँ पे बैठते हैं, कितने अच्छे लगे हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है सामने का, दिखाता हूँ आपको। बताओ क्या खाने? जो भी तुम्हारा मन करे बताओ, मुझे बता प्लीज। प्रयास ऐसा